दोस्तों, कभी न कभी आपके मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। पानी हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। दुनिया के बहुत सारे जीव जंतु जल में ही रह के जीवन बिता रहे हैं। मानव के लिए मीठा पानी ही काम में आता है। चूँकि समुद्र का पानी खारा होता है, इसलिए मानव इस पानी को पीने के काम में नहीं ला सकता। यदि समुद्र का पानी खारा ना हो तो आज हमारे पास पीने के पानी की कोई कमी नहीं होती। लेकिन दुनिया का ज़्यादातर पानी खारा यानी नमकीन होने की वजह से महज कुछ ही पानी पीने के काम में ला सकते हैं। हम में से लगभग सभी लोग जानते हैं कि समुद्र का पानी खारा होता है, लेकिन ये खारा क्यों होता है बहुत कम लोग जानते हैं। इसके पीछे की वजह आप लोगों को पता ही होगा कि नदियों का पानी समुद्र में मिलता है और समुद्र में जाने के बाद पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। यह बादल के रूप में ऊपर चला जाता है और यही बादल पानी बन के नीचे आता है। जब बरसात होती है तो बरसात का पानी हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसों के संपर्क में आ जाते हैं। ये गैस पानी में घुल जाती है, इसके कारण बरसात का पानी हल्का सा अम्ली यानी कि नमकीन हो जाता है। समुद्र में ज्वालामुखी भी होता है, जिसके फटने से लावा, क्लोरीन, सल्फर आदि जैसी गैसें निकलती हैं। समुद्र में सोडियम जैसे पदार्थ भी होते हैं जो क्लोरीन से क्रिया करा के लवण बनाते हैं। इस तरह नदियों से आए लवण और समुद्र में उत्पन्न लवण के कारण हमें समुद्र का पानी खारा लगता है। ये वीडियो कैसी लगी हो मेरे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।